हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ से आपको अपने फ़ोन के अंदर ऑप्शन देखो मिल जाता है शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी। सिंपली आपको इसमें आ जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर एस कैप्चर में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको एस कैप्चर में आ जाएंगे। एस कैप्चर में आने के बाद यहाँ आपको स्क्रीन शॉट से रिलेटेड सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन दम मिल जाता है स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन दम मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट बैग। स्मार्ट बैग पे आपको क्लिक कर लेना है। स्मार्ट बैग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको अपने फ़ोन के अंदर ऑप्शन दम मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर स्वाइप अप टू अनलॉक। ऊपर के लिए जब आप वन फिंगर से स्वाइप अप करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। स्वाइप डाउन टू टेक फोटो। नीचे के लिए जब आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर फोटो आ जाता है। यहाँ से ऐप से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको यहाँ से चाहिए उन्हें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, जिसमें आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ना स्नैप टर्न ऑन फ्लैश लाइट। जब आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आती है तो आपकी फ्लैश लाइट यहाँ से बिंक करने लगेगी अगर आपसे ऑन कर देंगे तो। इसके बाद आपके यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कैमरा वगैरह आपको ऑपरेट करना है तो यहाँ से ऐप से कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस ओपन आते हैं। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ से हम चलते हैं अपने फ़ोन के डायलर में। डायलर को ओपन कर लेंगे। डायलर ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग आने के बाद यहाँ आपको पहला ऑप्शन तक मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम। इस पर जाएंगे। यहाँ से हमने फ़ोन के अंदर ये दोनों ऑप्शन ऑन कर रखी हैं, जो कि आपकी कॉलर आईडी की तरफ काम करते हैं, जो अपनी जैसे ट्रू कॉलर बताता है कि इसकी और कॉल आ रही। तो यहाँ से आप इसे भी ओपन कर सकते हैं वेरीफाई कॉल बिजनेस के लिए। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं जो आपकी ट्रू कॉलर की तरह काम करता है। सेकंड ऑप्शन आपको अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है ब्लॉक कॉल्स या ब्लॉक नंबर्स। इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको ब्लॉक नंबर के लिए अननोन कॉल ब्लॉक करने के लिए यहाँ ऑप्शन देखो मिल जाता है। इसे आप ऑन कर दें तो आपके फ़ोन के अंदर अननोन कॉल जो भी होंगी वो सारी आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अननोन कॉल को यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको अननोन कॉल को ऑफ करना है तो यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो आपकी अननोन कॉल जो है वो भी आपकी सारी ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अननोन कॉल को ऑफ कर सकते हैं। सेकंड आपको ये ऑप्शन देखो मिल जाता है ऐड ए फ़ोन नंबर। ऐड ए फोन नंबर पर जाके आप यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप अपने उस नंबर को ऐड कर लेंगे जिसकी भी आपको कॉल ब्लॉक करनी है। तो सिंपली आप यहाँ उस नंबर को ऐड कर देंगे जिसकी भी आप कॉल ब्लॉक करनी है और वो नंबर आपका यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट। तो सिंपली आपको कॉलिंग अकाउंट पर जाना है। कॉलिंग अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाते हैं यहाँ से रिसीव इनकमिंग कॉल यूज मोर बैटरी। यहाँ से ऐप यूज़ कर सकते हैं रिसीव इनकमिंग कॉल्स के लिए। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ आपको और बैक आ जाना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है एक कॉलिंग अकाउंट। तो इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाते हैं सिम वन की सेटिंग मिल जाती है। सारी सेटिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ से इस पर जाएंगे और वाईफाई कॉलिंग को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग के लिए। आपको डायरेक्ट ऑप्शन दो मिल जाता है कॉल फॉरवर्ड में जाके अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको एडिशनल सेटिंग में जाके अपनी कॉल वेटिंग की जो प्रॉब्लम है उसे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर कॉल वेटिंग की सेटिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको नीचे। अगर कॉल रिकॉर्ड करनी है तो इस पर जाएंगे और यहाँ से आप नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट इसे ऑन कर देंगे। ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे। अब आपकी वो कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं अननोन नंबर। और जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उनकी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो आपको सेलेक्टेड नंबर पर जाना है, इसे ऑन कर देना है और ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे। चूज़ कॉन्टैक्ट पर जाके आप उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है। तो इस प्रकार से आप अननोन नंबर की और सेलेक्टेड नंबर की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है जो नंबर आपके फ़ोन में सेव हैं उन्हें आप कैसे शो करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम से या सर नेम से। यहाँ से आप देखने के लिए मिल जाते हैं, उसे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको नेम फॉर्मेट और चूज थीम मिल जाती है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दो मिल जाते हैं नियर बाई प्लेसेस और क्यू क्रिस्पन्स, जिन्हें आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें जाके आप अपने साउंड सारे साउंड को आप यहाँ से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। सारे साउंड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है वीडियो कॉलिंग का। आपको वीडियो कॉलिंग के लिए यहाँ से आपको मिल जाता है प्रेफर वीडियो कॉलिंग सर्विस या आज एवरी टाइम। अगर आपको इसे सेट करना चाहते हैं
गूगल मेड, कैरियर कॉल, वीडियो कॉल, जिस पर भी आपको सेट करना है इस पर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वॉइस मेल, यहाँ से भेज सकते हैं। कॉलर आईडी एंड अनाउंसमेंट मिल जाता है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, ऑलवेज एंड व्हेन यूजिंग ए हैंडसेट। इस पर आपको क्या करना है, जैसे जैसे ऑलवेज कर देंगे तो जिस व्यक्ति का कॉल आ रहा है, अगर आपके फ़ोन में उसका नंबर सेव है तो उसके नाम से आपको फ़ोन बताएगा कि इस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। सिंपली आपको उसके नाम लेके बताएगा इसका कॉल आ रहा है। यहाँ से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। फ्लिप टू साइलेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे हमने ऑन कर रखा है, अपने फ़ोन के अंदर कोई कॉल आती है और अपने फ़ोन को इस प्रकार से फ्लिप कर देते हैं तो आपकी कॉल साइलेंट हो जाती है। तो ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।